लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पर आज सोमवार हुई वोटिंग के बाद विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े। विधेयक पर लगाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जी ने लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2019 को चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि इसके पारित होने से NIA को मजबूती मिलेगी और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की वह विदेश जाकर भी जांच कर सकेगी। इस बिल के पास हो जाने से जांच एजेंसी को हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और साइबर क्राइम जैसी जांच संबंधी मामलों को देखने के लिए ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। NIA के इस तरह के मामलों की जांच के अधिकार देकर देश हित में उसकी भूमिका को अहम बनाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों, मानव तस्करी और साइबर अपराधियों की विदेश में जाकर जांच करने का अधिकार मिलेगा। बता दें कि सरकार ने NIA बिल पर चर्चा करते हुए देश को आतंकवाद से खतरे से निपटाना है। ऐसे में NIA संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी को देश हित में मजबूत बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विषय पर सदन में डिवीजन होना चाहिए जिससे देश को पता चले कि कौन आतंकवाद के पक्ष में है और कौन इनके खिलाफ है। इसके बाद स्पीकर ने सदन में डिवीजन की इजाजत दे दी और सदन में सभी सदस्यों को अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। लोकसभा महासचिव ने बताया कि वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं बल्कि पर्चियों के जरिए होगी। इसके बाद मत पर्चियां जमा कर दी गई जिसमें विधेयक के पक्ष में 278 वोट पड़े जबकि विधेयक के खिलाफ सिर्फ 6 ही वोट पड़े। लोकसभा में NIA बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इस कानून का दुरुपयोग करने का कोई मंशा नहीं है और इसका प्रयोग सिर्फ आतंकवाद के खत्मे के लिए किया जाएगा, लेकिन ऐसा करते हुए तब हम नहीं देखेंगे कि वह किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी गुनाह करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने कहा कि पोटा को नहीं हटाया जाना चाहिए। इसी वजह से 2004 से 2008 तक देश भर में आतंकवाद लगातार बढ़ा और फिर UPA को ही नहीं NIA को लेकर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर पोटा नहीं हटाया तो शायद मुंबई ब्लास्ट नहीं होता। लोगों को एक अपील भी है कि ये कानून देश के टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमारी एजेंसियों को ताकत दे। कल को कोई हमारे दूतावास को उड़ा देगा, कैसे NIA तपास करे, जांच कैसे करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न खड़े हुए हैं। लंका में हमारे लोग मारेंगे, बांग्लादेश में हमारे लोग मारेंगे। हमारी एजेंसी के पास कानूनी अधिकार नहीं है वहां जाकर जांच करने का, वो कानूनी अधिकार देने का लेकर आए। इस पर टिप्पणी करने की जगह अगर पुराने खाके और पुराने हिसाब निकालना है तो एक समय मांग लीजिए अध्यक्ष जी को, मैं भी तैयार हूं चर्चा करने के लिए और मन खोल कर चर्चा।